हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एनडीए एग्ज़ामिनेशन। सो पहले हम ये समझते हैं कि एनडीए एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या है और ये कैसे एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स के। सो एनडीए एग्ज़ामिनेशन जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये एग्ज़ामिनेशन बॉडी है जो इसका एग्ज़ाम लेती है और ये साल में दो बार होता है हर 6 मंथ्स के इंटरवल पर। तब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 2 फेजेस में होता है। पहले फेज़ में इसका रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होगा जो कि ऑफलाइन होगा आपका पेन और पेपर मोड में, और उसके बाद जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर ले जाएंगे रिटर्न एग्ज़ामिनेशन उनका फिर SSB होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अब इसके आते हैं रिटर्न एग्ज़ामिनेशन पे। अभी बेसिकली हमें इसी पे फोकस करना है फ़िलहाल। तो इसमें जो होते हैं, इसके रिटर्न एग्ज़ामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इज़ मैथमेटिक्स एंड सेकंड पेपर इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जो पहला पेपर होगा वो आपका पूरा मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा पेपर होगा वो आपका होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसे गेट भी बोला जाता है। उसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और नॉर्मल जनरल जो भी आपका होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इनसे कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं 150 अराउंड। तो अब इसके मार्क्स के ऊपर आते हैं। जो मैथ के मार्क्स होंगे वो होंगे 300 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन हो गए, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा इसका, दूसरा पेपर गेट का, वो होगा 600 मार्क्स का। तो टोटल 600 और 300 मिला के ये टोटल जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका ऑफलाइन वाला, वो आपका हो जाएगा 900 मार्क्स का। अब आते हैं इसके जो मार्क्स हो गया इसमें, कि नेगेटिव मार्किंग में कितना जो होता है नंबर काटे जाते हैं। तो जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा आपका, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें पर वन क्वेश्चन पे -0.83 नंबर कट आउट कर लिया जाता है। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो इतने आपके नेगेटिव मार्क्स जो भी होंगे टोटल, उसमें से काट लिए जाएंगे। दूसरा जो गेट का एग्ज़ाम होता है, जो सेकंड पेपर होता है, उसमें आपके -1.33 मार्क्स काट लिए जाते हैं पर एक क्वेश्चन पे गलत होने पे। जिसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा, दोनों एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं 2.5-2.5 घंटे के होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद थोड़ा टाइम पीरियड आपको रेस्ट दिया जाएगा 1-2 घंटे, उसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा, 2 hours and 30 minutes। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in। इस पर जाके आप सिलेबस और डिटेल ये सब भी पता कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो दोबारा मेरे से कन्फर्म कर लेगा और पूछ भी सकता है रिगार्डिंग दिस एग्ज़ामिनेशन। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चनों पे, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी मैं जिस चैप्टर से ले रहा हूँ वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ताकि मैंने अदर चैप्टर्स इसलिए नहीं ली फिर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं गया है वो। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वैसे ही बहुत ईजी चैप्टर है,